एलिन्स किचन रेसिपीज एंड व्लॉग। आज की मेरी रेसिपी है कोफ्ते, बीफ कोफ्ते मैं बना रही हूँ। मैंने आधा किलो जो है वो कीमा लिया है बीफ का, और इसकी जो करी के आइटम है उनमें प्याज ब्राउन करके इसको ग्राइंड कर लूँगी, और टमाटो प्यूरी, इसको मैंने टमाटरों को जो है वो ग्राइंड कर लिया है, प्यूरी बना ली है। और मसालों में जो इसके ये लिया है मैंने गरम मसाला ज़ीरा हाफ टी स्पून, काली मिर्चें हाफ टी स्पून, चार लौंगें, एक बड़ी इलायची, एक दालचीनी, नमक लिया है मैंने 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, और जो नॉर्मल पिसी हुई लाल मिर्च होती है वो हाफ टी स्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, और पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून। ये वाले जो आइटम्स हैं ये हमारे हैं इसके कोफ्ते करी के, और ये है मसाला, हरा मसाला इसके अंदर डलेगा। प्याज चॉप कर लिए मैंने, 2 दरमियाने साइज़ की लिए इन्हें चॉप कर लिया है, हरी मिर्च 1 बड़ी ली है चॉप कर लिया है, हरा धनिया, पुदीना मैंने लिया है 3 से 4 टेबल स्पून, और हरा धनिया मैंने लिया है 1/2 कप, और प्याज जो है वो मैंने आधी प्याज का पेस्ट भी बनाया है। ये जो है ये आधा जो है वो प्याज को मैंने पीस के पेस्ट बना लिया है। इससे कोफ्तों के जो बॉल्स बनाऊंगी वो सॉफ्ट बनेंगी। अदरक 2 टेबल स्पून चॉप कर लिए, भुने हुए चने इनको मैं अभी ग्राइंड कर लूँगी पाउडर फॉर्म में लेके आ जाऊँगी इसको, और खशखश ये मैंने पीस लिए, ये 2 टेबल स्पून डालेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी। पहले मैं चनों को ग्राइंड कर लूँगी, पाउडर बनाना है। मिक्सी जार में डाल के इसको ग्राइंड कर लूँगी। चने जो हैं वो पीस लिए हैं। अब जो है सबसे पहले मैं प्याज ब्राउन करूँगी, ऑयल डालूँगी 1/2 कप, ऑयल गरम हो गया है मैं इसमें प्याज डाल दूँगी, चने मैंने पीस लिए हैं मगर मैं पहले प्याज ब्राउन कर रही हूँ क्योंकि इसकी जो करी है उसका मसाला भुनेगा, इतनी देर में जो है हम अपने कोफ्ते रेडी कर लेंगे। प्याज को ब्राउन करके निकाल लूँगी, प्याज ब्राउन हो रही है इतनी देर में जो है हम लोग कोफ्ते का मसाला डाल के इसको पीस लेती हूँ चॉपर में, चॉपर मशीन में। कीमा डालूँगी पहले 1/2 टेबल स्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, पिसी हुई खशखश पेस्ट, हुए चने 4 टेबल स्पून है, पहले मैं 2 डालूंगी। नेक्स्ट जो दोबारा ये वाला पीसूंगी इसमें डालूंगी 2। निकाल लूंगी, प्याज भी ब्राउन हो गई है इसको भी निकाल लूंगी। बाकी जो कीमा है इसको भी डाल दूंगी इसमें पीस लूंगी। चने पिसे हुए खशखश, कीमा पिस गया है, अब इसके अंदर ये मसाले डाल दूंगी जो निकाले हुए थे, नमक धनिया मिर्च और हल्दी, और गरम हरा मसाला जो है ये भी इसके अंदर डाल दूंगी, हरा मसाला और तमाम मसाले इसके अंदर डाल दिए हैं। इसकी जो है वो बॉल्स बनानी है। इससे पहले जो है मैं प्याज को ग्राइंड करूंगी और करी इसकी रेडी करने रखेंगे क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। हाफ कप पानी डाल दूंगी, प्याज को प्याली में ऑयल गरम हो गया है इसके अंदर, पहले गरम मसाले के साथ जो है गरम मसाले के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगी,
साथ ही इसमें मसाले, हाफ कप पानी, टमाटो प्यूरी, ये मसाले के साथ भुनेंगे। मसाला भुन रहा है तो चलिए हम लोग जब तक जो है वो कोफ्ते की बॉल्स बना लेते हैं। हरा मसाला और ये जो गरम मसाला मिर्च इसके अंदर डाला है इसको मिक्सअप करते हैं। अच्छा सा मिक्स करना है इसको। बहुत से लोग कोफ्ते में ब्राउन प्याज डालते हैं पीस के, मगर हम नहीं डालते। हमारे घर के कोफ्ते बहुत मज़े के होते हैं, इसमें हम इस तरह ही से ही डालते हैं। जैसे ये बहुत अच्छा सा मिक्स हो गया है। चलिए हम इसकी बॉल्स बनाते हैं। आप अगर बड़े कोफ्ते पसंद करते हैं तो बड़े बनाएं, छोटे पसंद करते हैं छोटे बनाएं। मैं बिल्कुल नॉर्मल साइज़ के बना रही हूँ। इस तरह मैं तमाम कोफ्ते बना लूँगी। और ये मसाला भी भुन रहा है, जब तक मैं कोफ्ते बॉल्स बनाऊँगी सारी कोफ्तों की, जब तक मसाला भुन जाएगा। मेरी रेसिपी पे आप लोग बनाइए कोफ्ते, बहुत ही अच्छे सॉफ्ट और मज़ेदार कोफ्ते बनेंगे। टमाटर और मसाला अच्छी तरह भुन गया है। इसके अंदर मैं प्याज डाल दूंगी जो पेस्ट बनाया है ब्राउन करके। 5 मिनट इसको ब्राउन करेंगे, भूनेंगे, थोड़ा सा पानी के साथ डाल दें ताकि ये अच्छा सा भुन जाए। मसाला बहुत अच्छा भुन गया है, अब इसके अंदर मैं कोफ्ते डाल दूंगी। 1/2 kg कीमे में, 1/2 किलो कीमे में ये जो मेरे बने हैं कोफ्ते, ये 18 बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से मैं तमाम कोफ्ते इसके अंदर डाल दूंगी। कोफ्ते डाल दिए हैं, इसको चलाना नहीं है, हल्का सा देगची को इस तरह से हिलाना है कपड़े से पकड़ के ताकि ये टूटे ना। और 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा के इसको पकने देंगे ताकि ये इसमें अच्छी तरह से फ्राई हो जाए मसाले में। ढक्कन हटा के देखती हूँ, 5 मिनट हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोफ्ते जो हैं वो रेडी हो गए हैं, फ्राई हो गए हैं इसमें भी मसाले में। अब इसमें पानी डाल दूंगी, शोरबा जितना रखना है उतना पानी डाल दूंगी इसके अंदर, 2 कप के करीब। अब इसमें हल्का सा जो है वो चम्मच चला सकते हैं। मैंने तमाम कोफ्ते नहीं लिए, मैंने जितनी नीड थी उतने लिए बनाए, बाकी फ्रीज कर दिए। पानी डाल के 5 मिनट हो गए हैं पकते हुए, चूल्हा बंद कर देंगे। सालन को डिश आउट करूंगी अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरा धनिया डाल दूंगी इसके ऊपर। आज की मेरी रेसिपी का फाइनल लुक है कोफ्ता करी। आप लोग बताइए आज की मेरी रेसिपी कैसी लग रही है आप लोगों को। ओके व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।